अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो है CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 2 IOU का सोल्यूशन शेयर करूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जितनी भी मेरी इनकमिंग वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। हम अपने टॉपिक पर जाते हैं जल्दी से। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी असाइनमेंट ओपन करनी है। असाइनमेंट में हमें जो है ड्यू डेट दी गई है 14, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह खुद अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ही क्वेश्चन हमें दिया गया था, उसकी 3 रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस में हमें बताया गया है कि आप लोगों ने जो है ये हमें प्रोसेस दिया गया है और इसका ये बस टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है अरावल टाइम दिया गया है, अरावल टाइम हमारे पास 0 है। तो उन्होंने जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें कहा था कि आप लोगों ने चार्ट बनाना है प्रोसेसिंग यूजिंग FCFS और SGF, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। FS हैं, इसका मीन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। तो उसके बाद SGF जो है इस शॉर्टेड जॉब फर्स्ट, उनकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो है हैंड आउट्स में भी दिखाऊंगी अभी इसका कंप्लीट करने के बाद सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा जो है FCFS का चार्ट हमने बनाया है, P1, P2, P3, P4 और P5, ठीक है। और ऐसे ही इसका 0 से स्टार्ट होगा P1 और 10 इसका हमें टाइम दिया गया 0 से 10। और ऐसे ही जो है P2 का जो है हमें दिया गया है वो हमारे पास 1 है, ठीक है, P2 का 1 है। तो 10 से जब ये अराइव करेगा 11 पे जाएगा, ठीक है, तो इनके दरमियान जो है इसका टाइम क्या होगा, 1 जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 हैं तो 11 और 13 पे जाएगा, तो इनमें जो इनके बीच में टाइम लगेगा वो 2 लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लेना, ये 2 चार्ट हैं जो कि मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, और ये अच्छी तरह देख लें आप लोग, बिल्कुल इसी तरह से बना लेना। और उसके बाद जो है नंबर 2 पे जो है उसने FCF और ये हमारा SGF वाला चार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि जो आपने पार्ट ए में जो है आप लोगों ने FCFS चार्ट बनाया है ना, उसका टर्न राउंड टाइम जो है आप लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट ए में जो आप लोगों ने FCFS चार्ट बनाया है उसका आप लोगों ने जो है टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये है हमारा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और P1 P2 P4 सेम उसी तरह अरावर टाइम मैंने आपको बताया था, अरावर टाइम हमारा 0 उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो वो हम 0 रखेंगे सामने। और वेटिंग टाइम बिल्कुल वही आ जाएगा, ये जो है 0, 10, 11, 13, 14 और 19, क्योंकि 0 से 10 पे जो है इसको 10, 0 वेट किया इसने और 10 से 11 जो है 10 वेट किया, और इस तरह से बिल्कुल सेम, ठीक है, ये हमारा वेटिंग टाइम आ जाएगा। और बस टाइम हमारा जो होगा वो हमारा इनके बीच में जो होगा टाइम वो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सेम इसी को ही रख लेना चाहे। उसके बाद जो है इन टर्न राउंड टाइम जो होता है, हाँ, इन दोनों को आप लोगों ने प्लस कर देना है, वेटिंग टाइम को और बस टाइम को, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो ये टर्न राउंड हमारा टाइम आ जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह देख लेना सॉल्यूशन को, अगर कोई इसमें जो है, मैंने तो बहुत ही जो है ध्यान से बनाया है सॉल्यूशन देखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो आप लोग जो है खुद देख लेना इसको एक दफ़ा अच्छी तरह प्लस करते वक्त या कोई भी, तो आप लोग खुद से जो है इसको अच्छी तरह एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद हाँ, सी में हमें कहा है कि आपने पार्ट ए में जो SGF जो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट चार्ट बनाया है उसका वेटिंग जो है इच प्रोसेस हर प्रोसेस पर वेटिंग टाइम मालूम करें, ठीक है, ये वाला इसका। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है चार्ट यहाँ पे भी ताकि हम इजीली इसे देख के जो हम बना सकें। तो सबसे पहले इसके लिए जो है ना हमारे पास जो है ये वाला हम टेबल बनाएंगे ताकि हम इसका कम्प्लीट जो टाइम होगा वो निकाल सकें। तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने वही सेम जो है अरावल टाइम आ जाएगा हमारे पास, और वेटिंग टाइम जो है आ जाएगा इसका 0, 1, 2, 3, 9, और इसका बस टाइम जो होगा वो आ जाएगा जैसे कि 0, 1 और 1 से 2 इसका 1 जो है इसको टाइम लगेगा, और ऐसे 2 से 4 2, तो ऐसे आप लोग निकाल लेना।
ठीक है, उसके बाद इसी को ही देख के आप लोगों ने ये वाली जो है दोनों जो टाइम अराइवल होगा और ये चीज़ें सेम आ जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों को जो है कंप्लीट इसका टाइम हमने निकालना है, तो आप इन दोनों को जो है प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट टाइम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 011 और 112 224 आ जाएगा, और 459 और 910 19। ठीक है, तो कंप्लीट टाइम करने के बाद उसके बाद वो टर्न अराउंड हम टाइम निकालेंगे पहले, तो वो कंप्लीट टाइम माइनस ये वाला अराइवल टाइम हमारा माइनस करेंगे तो हमारा टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। फिर हमने वेटिंग टाइम निकालना है, तो टर्न अराउंड में से हम जो है ये बर्स्ट टाइम होगा ये निकालेंगे, तो वेटिंग टाइम हमारा निकला। सो ये था आज का सोल्यूशन छोटा सा, और आप लोगों ने जो है हेल्पिंग के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ मटेरियल। हमारा जो लेक्चर नंबर 14 है, 14 लेक्चर नंबर का पेज जो है हमारा 80 है। सो हम देख ही लेते हैं, ये हमारा 14 लेक्चर है उसका पेज नंबर ये 80 है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है 14 और 15 16 ये तीन जो लेक्चर्स हैं हमारे पास, और जो है इसमें ही सारा जो हमारी असाइनमेंट है इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसमें काफ़ी हेल्प आउट जो है मटेरियल बिल्कुल सेम ही जो है हमें चीज़ें मिल जाएगी, आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह देख लेना। ठीक है, ये देखो टर्न अराउंड टाइम और ये सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। छोटी जॉब फर्स्ट ये SGF हैं, और ये देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे कि फाइफो की तरह बिल्कुल हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। तो ये प्रोसेस दिया हुआ, ये बस टाइम दिया हुआ है हमें इस तरह से, ये देखो चार्ट बना के दिया हुआ बिल्कुल सेम, हमें हैंड आउट से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इस तरह 15 जो है लेक्चर नंबर 15 में भी ये देखें, और इस तरह 16 में भी ये देखो यहाँ पे उन्होंने SGF को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोग इधर से भी हैंड आउट से भी देख लेना और इसको जो है कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लेना इसके। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने ये जो हमने चार्ट बनाए हैं ये चार्ट आप पेंट पे भी बना सकते हैं, पेंट पे भी बन जाएंगे इजीली, और वर्ड पे जो है बहुत थोड़े से टफ़ बनते हैं, वर्ड पे नहीं बनते और जो बन जाते हैं लेकिन थोड़े से टफ़ बनेंगे, वर्ड पे मुश्किल हो जाएगा बनाना। पेंट पे जो है आप इजीली बना सकते हैं। पेंट के अलावा जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऑनलाइन मैंने टूल यूज़ करके ये बनाए हैं, तो आप लोग भी जो है ऑनलाइन टूल यूज़ करके बना लेना। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ आप लोगों ने लिखना है ड्रा, ठीक है, draio.io। ठीक है, ये देखो मैंने पहले सर्च किया तो वैसे ही आ गया, draio डालना, उसके बाद इंटर करना है। ठीक है, इंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है ना खुद ही एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अभी ये नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये देखें जब ये ओपन होके आएगी ना खुद आप लोगों के सामने, तो आप लोग इस तरह का ये आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ देखो मैंने बनाया था तो वैसे ही वो अभी ओपन ही है, ये देखो। तो मैं दोबारा भी आप लोगों को टूल ये इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, इसको कंप्लीट जो है आप लोगों को इसका जो है यूज़ करना सिखाऊंगी उसमें। सो अभी आप लोगों को जो एक दफ़ा इस पर चार्ट बनाना सीख लें तो आप लोग ये मैं दिखाती हूँ। चलो हम उतनी देर इस पर करते हैं वर्क, जब ये ओपन होगी तो मैं आप लोगों को आगे प्रोसेस बताऊँगी क्या करना है। ठीक है, आप लोग जब इस तरह ये ओपन हो जाएगा ना आप लोग सामने, यहाँ से आप लोगों ने पकड़ लेना इसे। ठीक है, और ऐसे इसको बहुत ईजी है ये टूल और बहुत मज़े का टूल है ये, और आप लोगों ने इस तरह इसको ऐसे स्केल बना लेना, इसका चार्ट बना लेना। ठीक है, और इस पर जो यहाँ से लाइन ले लेनी है और फिर इस लाइन को पकड़ के आप लोगों ने जो है ऐसे जहाँ पे लेके जाना है ले जाना और सीधा कर देना। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से जो है आप ना चार्ट बना लेंगे इस पर टूल पे, बहुत ईजीली बन जाएगा। और अगर लाइन को नीचे लेके जाना तो यहाँ पे नीचे ले जाएं जैसे मर्जी, इस तरह सारी लाइनें लगा लेना इसके ऊपर, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे साइड पे क्लिक करेंगे ना, ये टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे साइड पे तो इसके अंदर जो है आप जो लिखना होगा जैसे कि P1 है, तो फिर इसको इधर से जो है ना आप लोगों ने इसको पकड़ना है और यहाँ पर ले आना, जहाँ पर भी जो है आपने नंबरिंग देनी होगी वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इधर हमने वो लिखने हैं जो कि हमारे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि 11 है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, यहाँ पे इस तरह चार्ट बना लें और ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस तरह आ जाएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट न्यू डायग्राम पे करना है, और उसके इससे पहले ना चार ऑप्शन आएंगी, वो आपसे पूछेगा कि किसके लिए यूज़ करना है, तो आप लोगों ने डिवाइस पे क्लिक करना है। ठीक है, डिवाइस पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने क्रिएट न्यू डायग्राम पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के सामने इस तरह का जो है ना ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ठीक है, और उसके बाद आप लोग पेंट पे भी बहुत ईजीली जो है ना इसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टूल ना यूज़ करना हो तो फिर आप पेंट यूज़ कर लेना, जिस पर आप लोगों को ईजी
रहेगा वो बना लेना, ठीक है। इस तरह इधर से पकड़ लेना, ज़रा इस पर ये होता है लाइन वगैरह का थोड़ा सा मसला बन जाता है, लेकिन हम बना इस पर भी सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरह से और यहाँ से लाइन पकड़े और यहाँ से सीधी लाइनें लगा लें, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से जो आप लोग ये चीज़ पकड़ें और यहाँ पे जो है जो कुछ राइट करना है वो कर लें, ठीक है, P1 P2 इस तरह से। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट में बताना कि कितनी अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। आप लोगों की हेल्प के लिए जो है वीडियो बनाई जाती हैं, सो जो है ना आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।